डरपोक सा डॉगी हूँ ना। ये कौन लेगा, ये कौन लेगा, ये कौन लेगा, ये कौन लेगा? ओह गॉड, वो तेरी, अबे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने दूंगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय पता नहीं क्या समझ में आता है इस बंदे को, भाग ही जाता है लेके एकदम। ओके बाय। सो दिस इज व्हाट वी डू सुबह सुबह, हमारी चाय एन आवर, सारे लोग एंजॉय करते हैं। थैंक यू। ओए भाई साहब, धुआं धुआं सा हो गया पूरा, चाय एंजॉय करते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज 9th ऑफ जनवरी है एंड मौसम के मैं कुछ अपडेट दे दूँ सुबह सुबह, तो भाई साहब ऐसी हालत है ना, मैं आपको बीचों बीच जाके दिखाता हूँ। ऐसी हालत है कि लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल गायब सा है। इफ़ यू कैन सी, लुक, हैव अ लुक एट दिस, लुक एट टू माय होम, हाउ इज इट लुकिंग, दिस आर जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग। Just have a look at this fog. Look at this scenario. What is this scene? भाई पूरा पड़ोसियों का घर ढका हुआ है। आगे बढ़ते चलो तो क्लैरिटी आएगी, स्ट्रीट सारा ढका हुआ है। हम लेके आ जाएंगे मुनाविया, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये भाई साहब हम राही लेते हुए एंड तो यही कुछ यहाँ के मौसम का अपडेट। लेट्स सी, पेंट वगैरह का सारा अपडेट, सारा काम तो अप्रॉक्स हो चुका है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। कार भी मैंने धुला ली है, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था। लेट्स सी, शादी का घर है तो काम तो काफ़ी सारे होंगे, क्या होते हैं नहीं होते हैं बस देखते रहो। बाकी सारे तो सुबह सुबह बैठ के एज आई टोल्ड यू, ये है कुछ मौसम का अपडेट। सो फ्रूट के प्लेट हमारे, आप काफ़ी दिनों के बाद वीडियो में आप देख पा रहे हो कि काफ़ी दिनों के बाद फ्रूट की हमारी प्लेट आ गई है एंड एज यूजुअली मैंने सबको कहा है कि सुबह सुबह फ्रूट्स होने चाहिए, तो ये तो हमारे गार्डन के एकदम फ्रेश वाले हैं एंड इवन दे आर टेस्टी टू, तो फ्रूट तो बॉस होना ही चाहिए। This is style cooking चल रहा है हमारे यहाँ पे। क्या बन रहा है भाभी? खबरदार जो भाभी भाभी is conscious about camera। आलू छीले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर टेस्टी बनने वाली है। ओके, आलू गोभी एंड मटर बनने वाली है और टेक्सचर तो काफी प्यारी लग रही है, मटर बहुत अच्छे से गल रहे हैं, लेट्स सी बनता क्या है। अच्छा गोभी फ्राई तो ऑलरेडी रखी हुई है, ग्रेट। तो भुजी हुई गोभी इसमें डाल के और मसाले वगैरह डाल के देखो भाई क्या करते। ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ना, यूजलेस है और कुछ भी नहीं है, दिखाता हूँ। पानी इतनी खराब है, ये सिस्टम आप में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा, हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया हुआ है, ठीक है। एंड सारे मिनरल्स के मशीन लगा रखे हैं, ठीक है, स्टिल पानी की हालत देखो। ओके, सो ये पानी बस हमारे गार्डन्स के पेड़ को पटाने में काम आता है और कुछ भी नहीं है। सिस्टम देखो, लाखों की ये इंस्टॉलमेंट एंड बजट है और पानी इधर ओवरफ्लो में चल रहा है। सो नाश्ता आ गया अपना, और अब खाते हैं।
तो इसकी जो ब्रेक फ्लूड है ये मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुकी है खत्म। तो इसे ओपन कर लेता हूँ पहले एंड देखो कितनी गंदी है, तभी ले जाके इसको वॉश कर लेता हूँ। कार को तो वॉश करवा दी है, साफ सुथरी हो चुकी है, इसकी वॉशिंग का टाइम है। तो इसकी ये ब्रेक फ्लूड जो है ना वो लीक हो चुकी है। तो ये कुछ वैक्स बॉल का आता है ब्रेक इन क्लच फ्लूड, ये इसमें डाल देता हूँ और उसके बाद गाड़ी की थोड़ी करवा देते हैं सर्विसिंग। सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पहले वॉश करना था बट उस बंदे के पास थोड़ा टाइम कम था, तो पहले सर्विसिंग करवा लेते हैं। मोबिल वगैरह काफ़ी दिनों से पलटी नहीं हुई है तो मोबिल चेंज करवा लेते हैं। गाड़ी काफ़ी गंदी है, जो जो रिक्वायरमेंट है पूरे टाइट करवा लेते हैं पहले इसको। ये हमारे भाई साहब का शॉप है और ये भाई साहब उसे सही कर रहे हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है बंदे ने चला के देख लिया है, जो सब है सब चेंज हो जाएगा। इनकी अपनी खुद की शॉप है, हर चीज़ अवेलेबल है आराम से और घर के पास में ही। रोविन भाई इस पे हवा से बात करने वाले हैं अपने अपाची के साथ, क्योंकि बाइक का जो सर्विसिंग कराने के लिए आए थे वो सर्विसिंग हो चुका है। लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ बातें करते हुए रोविन भाई। क्या हुआ रोविन भाई? गाड़ी आवाज कर रही है, अभी सर्विसिंग करवाया है, अब जा रहे हैं हवा से बात करने के लिए रोविन भाई घर की ओर। ये देख लीजिए बंदा फुल पिकअप में, ये देखिए रोविन भाई उधर से एकदम फुल पिकअप में एकदम आते हुए एकदम जीरो वाली स्टाइल में। देखिए किस सब चक्का बंद करिए के लिए दुकान पे। और ये देखिए एम्बुलेंस लंबे लंबे कदमों के साथ। काफी गंदा था यार, बहुत ज्यादा गंदा था और धोने के बाद अब लिटरली ये शाइन करने लग जाता है। सो भाई साहब को काफी प्यास लग गई, काफी देर से ये गाड़ी की सर्विसिंग काफी मेहनत से करवा रहे थे भाई साहब जो हमारे। ये ना डब्बा में पानी भी है, किस तरह झुका के निकालना पड़ रहा है, डब्बा उठा उठा के जो है पानी निकाल रहे हैं भाई साहब। इतना पानी का किल्लत हो गया है, पानी की काफी किल्लत हमारे देश में है। बाइक अपनी धुल रही है और ये गेल इंडिया लिमिटेड, इसके आप स्टॉक्स भी देखते होंगे और देखो इसके गैस पाइप्स हैं। बेसिकली ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये पाइप्स बिछ रहे हैं, तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लास्ट में देख रहे हो कनेक्टर दिया हुआ और ये प्लॉट पे इस तरीके से कुछ रखा गया है। और ऐसी वाली ट्रॉली जो है इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करती है। एंड सो यहाँ पे भी यू नो स्टॉक में लेके रखा हुआ है, बड़ा वाला स्टॉक देखो उस साइड में कितना बड़ा वाला स्टॉक है। इफ यू कैन सी लाइन लगी हुई है पूरी और ये जस्ट ऑपोजिट में हमारा सबका बोरा घर, इफ यू कैन नोटिस। और यहीं पे भी बाइक की सर्विसिंग करवा रहे थे, यही भाई साहब हमारी सर्विस कर रहे थे। एंड यही अभी दोपहर के बज रहे एक, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया अब तक, हम लोग मिलके बाइक की सर्विसिंग करा रहे थे, वॉशिंग तो हो ही रही है और अब इसके बाद जाके घर पर अच्छे से नहाऊंगा। दो दिन हो गए फिर से नहा हुए, यू नो ठंड में कम नहाता हूँ और यही है कुछ, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने दो खाना नहीं खाया, तभी कितना खा के आया है बस नाश्ता किया और अभी एक बज रहा है तो अभी इसके बाद फिर खाना खाते हैं। कुछ बोल रहे हैं भाई साहब हमारे, जल्दी से अपना लोग बाइक सर्विसिंग करवाते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, जल्दी से हम हमारे बाइक करवा लेते हैं सर्विस ना। बबलू भाई जल्दी जल्दी मारिए पानी बंदा एक्टिव है सुपर कैमरा को देख के यू नो। और अभी जो इनके आप लोगों ने व्लॉगिंग एंजॉय की है तो कैसी लगी कमेंट करके बताना। सो ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है, उन्होंने हर चीज़ लगा रखी है, लिटरली हर चीज़। ये लहसुन की खेतियां हैं, ओके
and those are tomatoes, I guess. ये टमाटर हैं, पालक हैं, हर तरह की साग सब्जी है. यू कैन सी लॉन्ग प्लेस पे पूरी सब्जियां लगी हुई है. कितना काफ़ी प्यारा सा लगता है. ये उनका घर है, हमारे गौतम भैया का, और ये उनके यहाँ सब्जियां. सिर्फ खाते ही नहीं, दे कैन इवन सेल. इतने सारी भाई कौन खाएगा यार. तो यही कुछ इतनी सब्जियां हैं. सो इनकी साफ सफाई हो चुकी है हमारी घास फूसों की. और जो हमने जो सब्जियां लगाई है ना, हमने जो लगाई है, लुक एट देम, छोटे छोटे टिन्नू मिन्नू से, कहीं हुए हैं कहीं हुए भी नहीं है. एक्चुअली हमारी जो ये मिट्टी है ना, ये थोड़ी ज़्यादा यू नो, और इसमें थोड़े कंकड़ पत्थर ज़्यादा थे, और बाकी चीज़ों के तो यू कैन सी. एंड यही कुछ सीन है. सो ऐसा कुछ लग रहा है घर हमारा, शादी रेडी ऐसा कुछ लग रहा है. एंड दिस इज माय डुकैटी, माय बीएमडब्ल्यू, एवरीथिंग. सो आई वॉज्ड इट टुडे एंड नाउ इट्स लुकिंग क्लीन, इट्स लुकिंग प्यारा. सो दिस इज व्हाट इट्स लुकिंग राइट नाउ. It's looking good and this is front view. Everything is good and fine. All my these flowers are fine now. So ab jo hai baj rahe hain. Oh, ek abhi baj rahe hain. Maine pehle hi vlog mein bol diya ki ek baj rahe hain. Bhai ek abhi baj rahe hain. I'm so sorry for the timing. Maine dekha nahi tha. Aur abhi main ja raha hu. Ab main nahata hu aur jaldi se jata hu. Parson hi nahaya tha, kal nahaya bhi nahi tha. Thand ko leke main kam hi nahata hu, just to keep myself safe. So ab ja raha hu nahane. Ab mast nahaa ke रेडी होके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे है. और आप लोगों से एक अपील है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक किया करो, उस पर कमेंट किया करो, फुल सपोर्ट करो गाइस. सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, काफ़ी मेहनत करते रहता हूँ. जो देख रहे हैं वो सब जानते हैं. कीप सपोर्टिंग, आगे बढ़ते रहूँगा धीरे धीरे है ना. फिलहाल के लिए तो यही है. ओके, अब मिलता हूँ सीधा आयुष के घर पे. वो